तो देखा आपने कितना खस्ता बन के रेडी हुआ है। तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे आलू और मटर से बहुत ही कुरकुरा नाश्ता। तो एक बार अगर आप इसे बनाएंगे तो खस्ता कचौरी सब भूल जाएंगे, इसी नाश्ते की हमेशा डिमांड होगी। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ली हूँ मैं 4 से 5 आलू, उबले हुए आलू हैं ये। इसे मैं उबाल के और अच्छे से ठंडा कर ली हूँ और मैं इसे अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आप चाहें जो मोटा वाला ग्रेटर आता है उसे आप कर लें, और नहीं तो बटेटो मैशर से कर लें। बारीक ही करना है हमें, इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ ली हूँ मैं बॉयल किए हुए हरे मटर, 3 से 4 चम्मच इसमें लूँगी मैं छोटे चम्मच से। और आप चाहें तो जिस तरीके से मैं हाथों से इसे तोड़ रही हूँ उस तरीके से तोड़ लें, और चाहें तो अक्खा ही रहने दें। तो मैं सारे तोड़ूंगी नहीं, ऐसे ही रहने दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन की एक पत्ती है, तो इसे बारीक बारीक काट के इसमें डालना है। इसका फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर से इसे इसमें डालें, इसका फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लहसुन को मैं काट के डाल दी हूँ। अब मैं डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया 2 से 3 चम्मच। अब और इसमें डालूंगी मैं कुछ मसाले, नमक स्वाद के हिसाब से, लाल मिर्ची पाउडर स्वाद के हिसाब से, हल्दी पाउडर, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इसमें, और ये थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया है इसमें। बस इतने सारे ही मसाले इसमें जाते हैं और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता तैयार होता है। तो इसे मैं हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसे रखूंगी एक साइड में। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे रख देती हूँ एक साइड में। अब इसके लिए आटा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ली हूँ 1.5 कटोरी है ये मैदा, आप चाहें तो गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं। चुटकी भर इसमें हमने डाला है नमक, और एक छोटा चम्मच ही डाला है इसमें हमने रिफाइंड तेल। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी अजवाइन हाथों से मसल के, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता और बहुत ही कुरकुरा बन के रेडी होता है। ज़रूर से एक बार ट्राई करें आप लोग भी, और हमें कमेंट में बताएं कि आप लोग का नाश्ता कैसा बना। तो देखिए मैं अब इसका आटा तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से करना है, ज़्यादा इसमें कुछ झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अभी तो मटर और नए नए आलू आ रहे हैं मार्केट में, बाज़ार में, तो आप बना के इसी तरीके से ये नाश्ता ज़रूर से इंजॉय करें। तो देखिए आटा रेडी हो चुका है, हमें इतना ही नरम आटा गूंथना है। देखिए अब मैं इसके दो भाग कर लेती हूँ, हमें दो रोटियाँ बनानी है इसके एक ही साइज के। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तो देखिए मैंने सूखा आटा और तेल कुछ भी नहीं लगाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये बेल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये मैंने बेल के रेडी कर लिया है, एक एक दूसरा भी मैं इसी तरीके से बेल के रेडी कर लूँगी। तो देखिए दोनों मैंने रोटियाँ बेल के रख ली हूँ। अब जो हमने आलू और मटर के स्टफिंग बनाए हैं वो इस पे हमें फैला देना है अच्छे से, बस किनारे के जो हैं थोड़े थोड़े से ही हमें रखना है, वहाँ तक पूरा नहीं फैलाना है, और अच्छे से इसे फैला देना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने किनारे पर छोड़ दिया है। तो हम उस पे दूसरी रोटी रखेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें रखना है और अच्छे से इसे चिपका देना है, बहुत ही आराम से ये चिपक जाते हैं। जिसे नहीं चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं आप लोग, वैसे ये बहुत ही अच्छे से चिपक जा रहा है क्योंकि ये मैदा है। अब हमें इसे
थोड़ा सा हाथों से ऐसे प्रेस करना है और थोड़ा सा ऐसे बेलन से ही करना है, ज़्यादा इस पे दबाव नहीं देना है। देखिए इसी तरीके से हमें करना है। अब हम इसमें कट लगाएंगे, तो देखिए इसी तरीके से कट लगाना है हमें। बहुत ही आराम से ये कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप छोटे बड़े जिस हिसाब से बनाएं उसी हिसाब से कट लगाएं। तो देखिए अब मैं किनारे के जो हैं, ये किनारे के रहेंगे उसका शेप ज़्यादा बराबर नहीं होगा, तो फिर भी मैं इसे बनाऊंगी। देखिए थोड़े से टेढ़े मेढ़े ही बन जाएंगे, खाने में तो अच्छे लगते हैं ये, बहुत ही कुरकुरे। अब देखिए ये बहुत ही प्यारा बनेगा। जैसे नहीं चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसी तरीके से मैं पानी भी नहीं लगा रही हूँ और एक भी ख़राब नहीं हुआ था। तो ऐसे मैं सारा बना के रेडी कर लेती हूँ। जो किनारों के हैं साइड साइड के, यानी वो इसी तरीके से बनेंगे। तो सारा मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सारा मैंने रेडी कर लिया है, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल मैंने रख दिया है, तेल गरम हो चुका है, तो ज़्यादा गरम नहीं है, आप देख सकते होंगे। हमें ज़्यादा गरम तेल में इसे फ्राई नहीं करना है। तो इसी तरीके से मैं सारा फ्राई कर लेती हूँ। तो बहुत ही आसान है, इसी तरीके से बनाएं ज़रूर से आप लोग। तो सारा हमने कढ़ाई में डाल दिया है, तो बहुत ही आराम से ये फ्राई हो रहा है और बहुत ही कुरकुरा भी बनेगा। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें, देखिए बहुत ही आराम से, देखिए ये चिपकता भी नहीं है। तो इसके थोड़े कलर भी चेंज होने लगे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे फ्राई होने में। तो ये देखिए रेडी हो चुका है ये। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है और बहुत ही कुरकुरा बना है। तो इसी तरीके से मैं सारा रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रेडी हो चुका है नाश्ता, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।